गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रियंका के किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं लौकी आलू की सब्जी। ये मैंने एक लौकी ली है छोटी, दो छोटे आलू लिए हैं मैंने, इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। दो टमाटर लिए हैं मैंने, इन्हें छोटे पीसेस में कट किया है। तीन हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें भी कट कर लिया है मैंने। और धनिया लिया है ऊपर से सजाने के लिए। तेल चाहिए हमें 1 चम्मच, और मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच सरसों का ले लीजिए आप, और आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर चाहिए हमें, और धनिया पाउडर चाहिए हमें 1 चम्मच, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, और थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर चाहिए। चलिए बनाते हैं लौकी की सब्जी। तो कुकर को मैंने गैस पर रखा है, इसमें डालूंगी 1 चम्मच तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं, देखते हैं तेल हमारा गर्म हुआ है। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम सरसों। सरसों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम कद्दू। थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले, हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, और डालेंगे नमक, लाल मिर्च, जीरा पाउडर थोड़ा सा, हल्दी आधा चम्मच, और धनिया पाउडर। बिल्कुल मिला लेंगे अच्छे से। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं, अब डालेंगे इसमें टमाटर। अब इसे कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। बीच बीच में से चेक करते रहेंगे और घुमाते रहेंगे इस तरह से। जैसे ही हमारा पानी सूखता है तो हमें थोड़ा पानी इसमें और मिलाना है। आइए देखते हैं, तो हमारे टमाटर का पानी सूख चुका है, आप देख सकते हैं। तो हमें इसी तरह से इसे भूनते जाना है। पानी जैसे सूखता है तो उसमें हमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, एकदम थोड़ा थोड़ा सा, और फिर कवर करके रखना है। इस तरह से सब्जी हमारी लाल होती जाएगी और अच्छी तरह से भुन जाएगी। वापस इसे कवर करके रख दूंगी। वापस से चेक करेंगे। इसी तरह से हमें इसे भूनते जाना है और लाल करते जाना है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी तो इसमें पानी डालकर हम सीटी लगाएंगे। तो सब्जी हमारी भुन चुकी है, तेल ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब मिलाएंगे इसमें पानी। इसमें मैंने मिलाया है 1 कटोरी, 1.5 छोटी कटोरी पानी मैंने मिलाया है। अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। 2 या 3 सीटी तक हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। तो 3 सीटी हो चुकी है हमारी, आइए देखते हैं। तो सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं आलू भी गल गए हैं अच्छे से, और इससे ज्यादा अगर हम गलाएंगे तो कद्दू हमारा बहुत ही गल जाएगा, लौकी हमारी गल जाएगी। इसमें डालूंगी हरा धनिया, इसे मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो जरूर बनाइए लौकी की सब्जी जैसे मैंने बनाई थी, और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू फ्रेंड्स।